कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री छठवां अध्याय। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।